दोस्तों स्वागत है आपका टेकफिन के और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से टेकफिन के तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए साल का। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नए साल के बारे में, पुराने जितने भी सब स्मार्टफोन स्मार्ट टीवी निकल चुके हैं इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत दिनों से अवेटेड था, बहुत बहुत अमेजिंग स्मार्टफोन आने वाला है इस जनवरी के महीने में। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि इस जनवरी के महीने में कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन्स आने वाला है और दोस्तों उसमें आपको एक्सपेक्टेड क्या-क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेगा और दोस्तों नए साल के नए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्मार्टफोन रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस लेकर आता हूं। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सम्यक, यू वाचिंग टेकफिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस लिस्ट को शुरू करते हैं आपका सबका पसंदीदा वन प्लस से। हाँ दोस्तों, वन प्लस लेकर आने वाला है अपना वन प्लस 9RT, जो कि करीबन इसी जनवरी के महीने में ही आने वाला है। ये एक 35,000 to 40,000 के सेगमेंट का स्मार्टफोन होने वाला है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है और दोस्तों 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट भी दोस्तों देखने को मिलता है। रियर कैमरा ट्रिपल मिलता है दोस्तों, क्वाड कैमरा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। 50MP का प्राइमरी सेंसर, 60MP का अल्ट्रा वाइड और एक 2MP का मैक्रो लेंस के साथ आता है इसका रियर ट्रिपल कैमरा कॉम्बिनेशन। और दोस्तों प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है, एक फ्लैगशिप लेवल का दोस्तों स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी होने वाला है। और 4500mAh की बैटरी थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा होता, लेकिन देखेंगे दोस्तों जब ये स्मार्टफोन आ जाएगा। मोस्टली एक्सपेक्टेड है दोस्तों जनवरी में आ जाएगा। और दोस्तों ये स्मार्टफोन जब भी लॉन्च होगा मैं आपके लिए रिव्यू वीडियो जरूर ही लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं ओप्पो के तरफ। ओप्पो का रेनो 7 सीरीज आने वाला है दोस्तों बहुत जल्दी, जनवरी में एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा ये स्मार्टफोन। और दोस्तों यहां पे जो फीचर सब आने वाला है ज्यादातर सब लीक हो चुका है दोस्तों, 90% फीचर्स के बारे में हमको पता लग चुका है। यहां पे आपको 6.4 इंचेस के FHD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट जहां पे आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप रहेगा, 64MP का प्राइमरी सेंसर रहेगा दोस्तों, 8MP का अल्ट्रा वाइड और एक 2MP का मैक्रो लेंस के साथ। फ्रंट में रहेगा 32MP का कैमरा जिसमें आपको सोनी IMX709 का कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, जिसका मतलब आपका सेल्फी बहुत ही अच्छे होने वाला है इसी ओप्पो रेनो 7 के साथ। और दोस्तों प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा दिया गया है, स्नैपड्रैगन 778G जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है दोस्तों, पावरफुल होने वाला है। और दोस्तों साथ ही साथ ये एक 5G प्रोसेसर है। इसी ओप्पो रेनो 7 में आपको मिल जाएगा ColorOS 12 जहां पे आपको Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, 4500mAh की बैटरी और 60W का फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है ये Oppo Reno 7। तो दोस्तों ये तो था Oppo Reno 7 के बारे में, इसी जनवरी के महीने में आने वाला है दोस्तों, जब आ जाएगा रिव्यू वीडियो जरूरी आपके लिए आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे लिस्ट के अगले फोन है Xiaomi कह सकते हो, Redmi कह सकते हो दोस्तों, ये Redmi Note 11 सीरीज हो सकता है या फिर Xiaomi 11i Hypercharge ऐसे कुछ हो सकता है दोस्तों सीरीज में आया। तो दोस्तों Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro Plus ऐसे करके आएगा, अगर Xiaomi का आया तो Xiaomi 11i 11i Hypercharge ऐसे करके आएगा दोस्तों, पता नहीं ये, लेकिन Note सीरीज ही होने वाला है। Redmi Note 10 जैसे था दोस्तों, Redmi Note 11 आने वाला है, शायद नेम में इधर उधर हो सकता है। ये जो Redmi Note 11 है ये दोस्तों चाइना में रिलीज हो चुका है और इसका सभी स्पेक्स हमको पता है। तो स्पेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 6.6 इंचेस के FHD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा Redmi Note 11 में, जहां पे आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इसका जो Pro Plus वेरिएंट है वहां पे आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहां पे आपको Dimensity 810 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है दोस्तों, तीनों ही वेरिएंट में आपको Dimensity का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जैसे ही वेरिएंट हायर हो जाएगा थोड़ा पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। Note 11 Pro Plus में आपको Dimensity 920 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा दोस्तों, ये 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी कि बहुत ही पावरफुल होने वाला है ये प्रोसेसर। और दोस्तों इसका OS जो है Android 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला है। और कैमरा के बारे में बात करें तो 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, एक 8MP का अल्ट्रा वाइड के साथ, डुअल कैमरा ही मिलेगा दोस्तों इसी Redmi Note 11 में। जो Pro Plus वेरिएंट है वहां पे आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, जहां पे आपको एक्स्ट्रा एक 2MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा और दोस्तों 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। बैटरी के बारे में बात करें तो 5000mAh की बैटरी मिलने वाला है विद 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो यही सब था दोस्तों स्पेसिफिकेशन के बारे में Redmi Note 11 सीरीज या फिर Xiaomi 11i सीरीज, जो भी आप बोल सकते हैं, जब आएगा इंडिया में आपके
लिए वीडियो जरूरी लेकर आऊंगा। और दोस्तों जनवरी में ये मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है, तो दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि सभी फोन का रिव्यू मैं लेकर आने वाला हूँ जब ये लॉन्च हो जाएगा, तो नहीं किया अभी कर दीजिए। तो दोस्तों इस लिस्ट में एक अमेजिंग स्मार्टफोन आने वाला है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला G71 5G, जो कि एक 5G स्मार्टफोन है दोस्तों। बहुत ही जल्दी मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है और अराउंड 19,000 टू 20,000 के बीच में ये फोन आने वाला है। तो बहुत ही अमेजिंग फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसमें से डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 6.3 इंचेस के FHD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है। और दोस्तों प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 695 5G प्रोसेसर होने वाला है दोस्तों। हाँ दोस्तों ये एक 5G प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी कि बहुत ही पावरफुल होने वाला है और एनर्जी एफिशिएंट भी होने वाला है। और कैमरा दोस्तों ट्रिपल रियर कैमरा होने वाला है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस के साथ, फ्रंट में रहेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और दोस्तों 5000 एमएएच की बैटरी मिलने वाला है, 30 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। और दोस्तों ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट में आने वाला है, 6GB 128GB और 8GB 128GB, नियरली अप्रोक्सीमेट 19,000 20,000 21,000 इसी के बीच में दोस्तों आने वाला है। तो जब भी आएगा रिव्यू वीडियो आपके लिए आ जाएगा। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रियलमी की तरफ से भी बहुत ही जल्दी एक नया स्मार्टफोन आने वाला है, जिसे रियलमी C35 भी बोल सकते हैं या फिर रियलमी नार्जो 50A प्राइम भी बोल सकते हैं, किस नाम से आएगा पता नहीं, लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्दी इसी जनवरी के महीने में आने वाला है। फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों बहुत सारे स्पेक्स इसका लीक हो चुका है। ये दोस्तों 16-17 हजार के सेगमेंट में ही आने वाला है ये स्मार्टफोन, जहां पे आपको 6.5 इंचेस के IPS डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि थोड़ा कम लग रहा है मुझे, क्योंकि दोस्तों अभी AMOLED भी 12,000 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें तो एक AMOLED डिस्प्ले होना चाहिए था। MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा है दोस्तों, ठीक ठाक गेमिंग वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। Mali G52 का GPU आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दोस्तों Android 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। कैमरा के बारे में बात करें तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको यहाँ पे रियर में मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के साथ। और दोस्तों फ्रंट में मिलेगा एक 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। दोस्तों सभी स्मार्टफोन अभी क्वाड से ट्रिपल होने लगे हैं, पता नहीं क्यों। और दोस्तों बैटरी आपको यहाँ पे 6000 एमएएच की मिलने वाला है, 18 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ, फास्ट चार्जिंग बोल सकते हैं, नॉर्मल चार्जिंग बोल सकते हैं दोस्तों, 18 वाट का है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आने वाला है एक ही वेरिएंट में 4GB विद 128GB। यहाँ पे दोस्तों अच्छी बात है कि यहाँ पे जो बेस वेरिएंट रखा गया है 4GB के साथ 64 ना रख के 128GB रखा गया है, जो कि अच्छी बात है। तो दोस्तों यही सारे थे अपकमिंग स्मार्टफोन इस जनवरी का, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो दोस्तों मिलते हैं टेक फिन के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।